नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज आप लोग जो इस वीडियो के माध्यम से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को किस प्रकार से चेंज करेंगे वो आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग जेंडर, चार प्रकार का जेंडर पढ़े हैं, जो पहले हम वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। जो पहला जेंडर है मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन और न्यूट्रल, ये चार जेंडर होता है। पुलिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग। चार इंग्लिश में चार प्रकार का हम लोग जेंडर को पढ़ चुके हैं। अब जो है उस मैस्कुलिन से हम फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार से वर्ड को चेंज करेंगे, आज उस नियम को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला नियम है मैस्कुलिन के अंत में ES, ESS जोड़कर फेमिनाइन जेंडर जेंडर बनाया जाता है पहला नियम है मेरा मैस्कुलिन टू फेमिनाइन, या मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जेंडर को हम बनाने के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसमें ईएस जोड़कर हम लोग बनाते हैं। जैसे में देखिए, जैसे गॉड, तो इसको हम चेंज जब करेंगे, ये हुआ मेल। जब हम फीमेल में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा मेरा गॉडेस, जी ओ डबल डी ई डबल एस, गॉडेस। ठीक है, दूसरा है टाइगर, तो ये हो जाएगा मेरा टाइग्रेस, टाइग्रेस। लायन हो जाएगा लायनेस, लाइनेस। इस प्रकार से हम जो है ईएस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं। अब दूसरा नियम कुछ जो भिन्न होता है यह नियम के अनुसार में वह नहीं जाता है। तो नियम के अनुसार में कौन नहीं जाता है, जैसे देखिए फादर, मदर, यह कोई नियम लागू नहीं होता इस पर। ये जो खुद ही अपना शब्द बना हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं, बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ, सर, मैडम, ये जो सारे और सारे बहुत वर्ड्स हैं जो इनका कोई रूल पर लागू नहीं होता है, यह खुद ही अपना होता है, जो हम लोग इसको पढ़कर याद रखते हैं।
कुछ नाउन जो दोनों जेंडर में प्रयोग करते हैं, दोनों जेंडर में प्रयोग करते हैं, जैसे राइटर, पोएट, ऑथर, प्रोफेसर, स्पीकर, नेबर, ये सारे वर्ड्स जो है हम लोग जो है मैस्कुलिन में भी उपयोग करते हैं और फेमिनिन में भी हम लोग उपयोग करते हैं। ये सारे वर्ड्स जो है कुछ नाउन जो दोनों जेंडर में प्रयुक्त करते हैं, जैसे राइटर, पोएट, ऑथर, प्रोफेसर, स्पीकर और नेबर। ये जो है हम सारे वर्ड्स जो है हम